तीसरा क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लॉजिक के ऊपर आया। और लॉजिक में आपको मैंने हमेशा जो अगर कंजक्शन डिसजक्शन और नेगेशन इन्वॉल्व होते हैं तो मैंने बोला था कि आप उसको हमेशा वेन डायग्राम से सेट थ्योरी के एप्लीकेशन से जरूर करेंगे, इससे ये आसान हो जाता है। तो सबके सेट थ्योरी के एप्लीकेशन से बताने के तरीके अलग होते हैं, मेरा अपना अलग तरीका है, दूसरे का अलग तरीका है। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट से कैसे बनाएंगे इसको कि फॉर एनी स्टेटमेंट पी एंड क्यू दिस इज इक्वल टू, तो बहुत रेगुलर क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखिए ये हो गया पी और ये हो गया क्यू, ठीक है। पी और क्यू के बाद में अब आपको ये पी यूनियन क्यू की बात कर रहा है, यूनियन बोलेंगे डिसजक्शन को क्योंकि हम सेट थ्योरी में बात कर रहे हैं, तो ये पूरा हो जाता है। तो एक्चुअली में नेगेशन ऑफ पी डिसजक्शन क्यू करेंगे तो ये आ जाएगा फाइव, ठीक है। यानी ये पूरा पोर्शन ये हो गया, ये पूरा पोर्शन आपका पी डिसजक्शन क्यू या पी यूनियन क्यू हो गया। तो इसका नेगेटिव जो इसमें नहीं है, बस इतना ही फिगर लेते। मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लेने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपने स्टूडेंट्स को नहीं बताया। जब भी मैं लॉजिक के प्रॉब्लम्स को सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट से अप्लाई करता हूँ तो उसमें मैं वो यूनिवर्सल सेट जो आप रेक्टेंगल लेते हैं उसको मैं यूज नहीं करता। तो फाइन ये हो गया पी यूनियन क्यू। तो इसका अगर बाद नेगेशन लेना है तो डेफिनेटली वो हो जाएगा फाइव। अब ये फाइव का आपने फिर से डिसजक्शन यानी कि यूनियन लेना है नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन ऑफ क्यू से। तो ये तो रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैं बताऊंगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर कर ले, 5-6 साल के क्वेश्चंस या फिर अभी जो एक एक शिफ्ट में 8-8 क्वेश्चंस हो, अपना टोटल एक एक टाइम पे जो 4-4, 5-6 क्वेश्चंस हो रहे हैं तो 2-3 साल के आप कर लेंगे तो आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। इसीलिए हम लोग रेगुलर क्लासेस में हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके ही आगे बढ़ते हैं। तो अब ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, तो देखिए फाइव का यूनियन इस सेट के साथ में, तो यही सेट आएगा, कोई इशू नहीं है। अब ये ऑप्शन में नहीं है तो अब ये किसके इक्विवेलेंट है उसको देखते हैं। तो नेगेशन ऑफ पी आपका ये वाला पोर्शन हो जाता है, ये नेगेशन ऑफ पी हो गया, बहुत डिटेल्स में मैंने इसको बताया था, ये नेगेशन ऑफ पी हो गया। और कंजक्शन क्यू मतलब कॉमन देखना है क्यू के साथ में, ये पूरा क्यू है और इसके साथ में कॉमन देखे तो ये वापस यही पोर्शन आता है और ये पोर्शन को आप बोलते हैं नेगेशन ऑफ पी। तो फाइनली ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो गया स्टूडेंट, बहुत रेगुलर सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन भी क्लासरूम में किया हुआ स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी रिपीट हुआ क्वेश्चन है 2016 मेंस या 2017 मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो उसमें ये वैल्यू भर एक्स्ट्रा जुड़ गई है कि साइन की पावर 4α प्लस कॉस की पावर 4α इक्वल टू, बाकी ये जो सिचुएशन दी हुई है वो एज इट इज है, वहाँ पे अल्फा पूछा था, यहाँ पे आपको साइन की पावर 4α प्लस कॉस की पावर 4α, अल्फा इज द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइन्स एक्चुअली सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू जीरो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो डायरेक्शन कोसाइन्स और डायरेक्शन रेशोस का आपको मेरा लेक्चर देख लीजिए, तो वहाँ पे वो 2016 या 2017 मेंस का क्वेश्चन है, ये सॉल्व किया हुआ है। उसमें सिंपली डिफरेंस क्या आ गया है कि वहाँ पे सिर्फ अल्फा पूछा था जो कि एक्चुअली में पाई बाई सिक्स आता है, पाई बाई सिक्स आने से इसका आंसर भी पता चल गया, 1/2 की पावर 4 हो जाएगा और कॉस मतलब ये हो जाएगा 3/2 की पावर 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। तो ये हो गया 1/16 और ये 9 हो जाएगा, 3 × 3 9, यस 9/16, इस प्रकार से ये 10/16 और ये हो जाएगा 5/8। 5/8 आंसर है, मतलब अगर आपने वो क्वेश्चन किया है ना, जैसे आप मेरे स्टूडेंट्स में मेरे लेक्चर को फॉलो किया है तो आप अभी भी जाइए डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशोस का लेक्चर देख लीजिए, उसमें 2016 या 17 का क्वेश्चन दिया हुआ है और वहाँ पे सिर्फ अल्फा पूछा था, बाकी सिचुएशन सेम है, बस वो अल्फा आ गया था आपका पाई बाई सिक्स जो एंगल निकालना था। तो ये पाई बाई सिक्स को आपने यहाँ रख दिया तो आपको डायरेक्ट आंसर भी मिल गया 5/8। देखिए प्रिपरेशन हम उस लेवल पे जब करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट याद ही रहते हैं, आंसर भी याद रहते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स, चलिए अब इसको हम लॉन्ग वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जैसे कि हमने किया है। तो देखिए एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू जीरो और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, दो इक्वेशन दिया है, एल प्लस एम एन इक्वल टू जीरो और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर
इक्वल टू जीरो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एल प्लस एम इक्वल टू माइनस एन ले लेंगे, यहाँ से आपको एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दीजिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर टू एल एम इक्वल टू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए, एल स्क्वायर एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो टू एल एम इक्वल टू जीरो आ जाएगा, मतलब एल एम इक्वल टू जीरो आ जाएगा, एल इक्वल टू जीरो और एम इक्वल टू जीरो, ये दोनों केस एक केस बनाएगा, ये दोनों केस बनाएंगे, मतलब एक केस से आपको एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे और दूसरे केस से दूसरे लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे। वो कैसे मिलेंगे वो देखते हैं। तो केस वन ले लेते हैं, जब एल इक्वल टू जीरो, देखिए एल इक्वल टू जीरो यहाँ पुटअप करेंगे तो यहाँ से मुझे मिलेगा एम प्लस एन इक्वल टू जीरो, मतलब एम इक्वल टू माइनस एन, तो एल इक्वल टू जीरो तो अपॉन में जीरो रख दीजिए, एम और एन के नीचे में आप क्या रखें, एम इक्वल टू माइनस एन है तो यहाँ माइनस वन रखना पड़ेगा और यहाँ वन रखना पड़ेगा, तो ये ए वन बी वन सी वन जो कि डायरेक्शन रेशियोज हो जाते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट लाइन के, जीरो कॉमा माइनस वन कॉमा वन, बस यही पैटर्न था। बहुत आसान सा और रेगुलर सा क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आता है, 16 मेंस या 17 मेंस में भी आया और वही क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। अब यहाँ से केस टू से भी इस प्रकार से एम इक्वल टू जीरो रख देंगे, एम इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये एल प्लस एन इक्वल टू जीरो देगा, एम जीरो गया तो एल प्लस एन इक्वल टू जीरो, मतलब एल इक्वल टू माइनस एन, तो एल के अपॉन में माइनस वन, एन के अपॉन में जीरो और एन के अपॉन में वन, तो एम इक्वल टू जीरो भी आ गया, एल इक्वल टू माइनस एन भी आ गया, तो यहाँ से आपका ए टू बी टू सी टू मिल जाएगा, दैट इज माइनस वन जीरो और ये वन, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो अब अगर दोनों के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए हैं तो आप उनके बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सीधा पहले कोसाइन अल्फा निकलेगा, कॉस ऑफ अल्फा होता है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू स्क्वायर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी वन स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर और सी टू स्क्वायर, ए वन ए टू से मल्टीपल, माइनस वन इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू माइनस वन जीरो, वन इंटू वन सिंपली वन आ गया, और ये रूट टू और रूट टू आएगा, कैसे यहाँ स्क्वेयरिंग कर दीजिए तो वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन टू, मतलब यहाँ रूट टू, यहाँ पे भी रूट टू आ गया, सिंपली ये आ गया वन अपॉन टू, कॉस अल्फा वन अपॉन टू आ गया, मतलब अल्फा आपका आ जाएगा पाई बाई सिक्स, करेक्ट है क्या, नहीं पाई बाई, कॉस अल्फा आ गया कितना वन बाई टू, तो पाई बाई सिक्स नहीं, ये कॉस अल्फा हो गया, ठीक है कोई इशू नहीं है। तो आपने पाई बाई थ्री लिखना है, अल्फा इक्वल टू पाई बाई थ्री, करेक्ट है कि नहीं, हाँ 60 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ से अब आप कॉस फोर अल्फा निकालेंगे तो वन बाई सिक्सटीन आ जाएगा, और अब आप यहाँ से साइन अल्फा निकालेंगे तो रूट थ्री बाई टू आ जाएगा, साइन फोर अल्फा निकालेंगे तो नाइन बाई सिक्सटीन आ जाएगा, और अभी का बाकी का कैलकुलेशन आपको मैंने बता चुका हूँ, वन बाई सिक्सटीन प्लस नाइन बाई सिक्सटीन कर देंगे तो टेन बाई सिक्सटीन आ जाएगा, टेन बाई सिक्सटीन को लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो फाइव बाई एट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से अभी तक के हमने फोर क्वेश्चन देखिए, पहले वीडियो में दो क्वेश्चन और ये दो क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आसान है,